अरब देश में पानी का बहुत संकट है, तो अरब देश के लोग पानी कैसे बचाया जाए, पानी का संरक्षण कैसे हो, इसके रिसर्च के लिए अमेरिका गए। तो अमेरिका में उनको एक 5 स्टार होटल में ठहराया, और वो जो अमेरिकी अधिकारी उनकी देखरेख में था, उसने उनको कमरे में भेज दिया अरब वासियों को कि आप तैयार हो के आ जाइए। और जब वो बाथरूम में गए तो उस अमेरिकी अधिकारी को धड़ाम कुछ फेंकने की और अजीब अजीब सी आवाजें आई। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर बाद जब बाथरूम का दरवाजा खुला तो अरब देश के लोग जब बाथरूम से बाहर निकले तो उनके हाथ में नलों की टोंटियां थी, टोंटी उखाड़ लाए। अमेरिकी अधिकारी ने कहा, ये आपने क्या किया, आप नल की टोटी क्यों उखाड़ लाए? अरब देश के लोगों ने कहा, देखो भैया, हमारे देश में पानी बिल्कुल नहीं होता, हम तो यहाँ रिसर्च करने आए हैं, और जैसे हमने ये टोटी मोड़ी तो इसमें से तो पानी निकल आया, ऐसा जादू तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो क्या करेंगे, आपके सेमिनार में जाके टोटियां उखाड़ ली, अपने देश ले जाएंगे, पानी पानी हो गया, जरा सा घुमाओ पानी निकलता है। वो अमेरिकी अधिकारी समझदार था, उसने कहा, आप हमारे मेहमान हैं, बेशक ये टोंटियां आप अपने देश ले जाइए, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, आप मेरे साथ छत पे चलिए। वो छत पे ले गया, छत पे जो पानी की टंकी थी उसका ढक्कन खोला, और उस अमेरिकी अधिकारी ने अरब देश के लोगों से कहा कि इसमें देखिए, पानी इसमें है तो टोंटी में है, अगर इसका पानी सूख जाए तो टोंटी किसी काम की नहीं है। अरब देश के लोगों को जो बात समझ में आई हो या ना आई हो, अपन लोगों को समझने की बात यह है कि यदि टंकी में पानी सूख जाए या गंदा हो जाए तो टोंटी किसी काम की नहीं है। अब इस बात को दिमाग में बैठा लेना, अपन सब लगे हुए टोंटियों पे, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई सत्संग कर रहा है। कथाएं तो इतनी सुनते हैं लोग कि बस कुछ पूछो ही मत, लेकिन किसी का कुछ नहीं बदलता। आप बताइए, हमने और आपने कितनी कथाएं सुनी होंगी अपनी जिंदगी में, बदला किसी का? अरे मैं तो 300 दिन कथा करता हूं, अगर आपको हिसाब बताऊं तो आज तारीख है 22, और मैं आज जो आपको व्याख्यान दे रहा हूं ये 21वां व्याख्यान है। 22 दिन में 21 कथाएं कर दी मैंने लगातार, और मैं देखता हूं मुझे इतना ध्यान से सुनते हैं लोग, और जब मेरी कथा खत्म होती है तो मेरे ही सामने झाड़ जाते हैं कि ये रखो पंडित जी, बाहर तक नहीं ले जाते, घर तो दूर, जिंदगी में ले जाना तो दूर। और जो समझदार है वो प्रणाम करके दे जाते हैं, जैसे ही कोई हमें प्रणाम करता है हम समझ जाते हैं ये लौटाई कथा, इसने गया खाली हाथ। अगर कथा सुनने से जिंदगी बदली होती तो हमारा देश बैकुंठ हो गया होता, इतनी कथाएं होती हैं इस देश में, किसी का कुछ नहीं बदलता। आप टोंटियों पे काम कर रहे हैं, आपने पानी की टंकी में कोई काम नहीं किया, आपका अंतर सूखा हुआ है, आपकी आत्मा तक आपने स्पर्श नहीं किया है, आप मां बाप अच्छे नहीं हुए हैं, दोष नई पीढ़ी के बच्चों को दे रहे हैं। बताइए आप, तो सफाई करना पड़ेगी टंकी की, तो निकलेगा पानी ठीक से नल में, पर हम क्या है, टोंटियों को उखाड़ उखाड़ के घूमेंगे तो काम नहीं चल पाएगा।